हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सी कुर्ती का नमूना लाए हैं। आप इस नमूने को मेरे फेसबुक के पेज से ले सकते हैं। हम यहाँ पर लखनऊ चिकन एम्ब्रॉयडरी की मदद से ये एम्ब्रॉयडरी करेंगे। इसमें मेनली 3 स्टिचेस हम यूज़ करने वाले हैं। इस पूरे मोटिव में हमने सिल्क थ्रेड के पूरे 6 स्ट्रैंड अपनी सुई में ले लिए हैं। आपको ये सिल्क थ्रेड बहुत आराम से लच्छी के फॉर्म में मिल जाएंगे, जो कि लखनऊ चिकन एम्ब्रॉयडरी के लिए आराम से मिल जाते हैं हर जगह। अब यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं सबसे पहले स्टेम स्टिच, या अगर हम लखनऊ चिकन एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से कहें तो उल्टी बकिया। हमने एक पोजीशन जहाँ से हमें स्टार्ट करना था उल्टी बकिया को, वहाँ से अपनी सुई को निकाल लिया है। और उसके बाद थोड़ा सा इस तरह स्टिच लेते हुए, ये देखिए, इस तरह से अपनी सुई को निकाल लिया है। फिर इसी तरह से आगे बढ़े हैं, जहाँ हम एंड करते हैं एक स्टिच को, दूसरी बार उसी स्टिच को सुई खींचते टाइम वहीं से निकालते हैं। ये देखिए, हम यहाँ थोड़ा आगे से सुई को निकालेंगे और फिर जो पुरानी स्टिच है उसके बेस में से निकाल लेंगे। हमेशा सुई धागे के एक ही तरफ से निकालनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हो कि धागा हमेशा हम नीचे रख रहे हैं और सुई को ऊपर से निकाल रहे हैं, इसी तरह से ये उल्टी बकिया या स्टेम स्टिच बनती है, जो कि लखनऊ चिकन एम्ब्रॉयडरी की शान होती है। आप कहीं भी डंडी बनाना चाहते हैं तो इसी स्टिच से बना सकते हैं आराम से। इसके अलावा कहीं कहीं पे बैक स्टिच भी यूज़ होती है, लेकिन अभी हम इस वीडियो में आपके लिए सिर्फ ये स्टेम स्टिच लेके आए हैं। अगर इस स्टेम स्टिच को आप पीछे से देखेंगे तो ये बैक स्टिच जैसी दिखती है, यानी जो इसका हमारी कुर्ती का रेयर साइड होगा यानी अंदर का साइड होगा, उसमें ये बैक स्टिच जैसी ही दिखेगी। इस तरह से पूरे में हम जहाँ जहाँ पे हमारी लाइनिंग है वहाँ पे हम इसी तरह से उल्टी बखिया या स्टेम स्टिच की मदद से चिकन एम्ब्रॉयडरी करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे शेडो वर्क और घास पत्ती वर्क भी लेके आए हैं। ये देखिए, इस तरह से ये डंडी पूरी हो गई हमारी, सभी डंडियाँ इसी ढंग से बनी। अब इसके बाद हम ये लीफ बनाएंगे जो कि शेडो वर्क से है। शेडो वर्क में आप दोनों तरफ से किसी भी तरफ से बना सकते हैं, चाहे तो ये सीधा इस तरफ रख लीजिए, चाहे तो ये तरफ सीधी रख लीजिए। अभी हम आपको बना के दिखाते हैं ये कैसे बनती है। शेडो वर्क को हेरिंग बोन स्टिच भी कहते हैं। आप देखिए, एक साइड से हमने थोड़ा सा स्टिच पीछे की तरफ करते हुए लिया, फिर जिधर बढ़ रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में सुई की नोक रखते हैं। इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पे बनाते जाते हैं। ये स्टिच हेरिंग बोन स्टिच भी कहलाती है। बहुत ही आसान स्टिच है और लखनऊ एम्ब्रॉयडरी के जो शेडो वर्क होता है वो यही स्टिच है। अभी हम आपको प्रॉपरली दिखाएंगे कि कैसे शेडो दिखती है। ज़्यादातर ये किसी दूसरे हल्के कलर के कपड़े पर गहरे कलर से बनाई जाती है, जिससे गहरे कलर की शेडो आगे से दिखती है। इस तरह से पूरे में हम करते जाएंगे। ये देखिए, अपने आप ही ये क्रॉस क्रॉस वाले स्ट्रक्चर्स बनते जाते हैं दोनों तरफ से, इस तरह से जब हम धागे लेते जाते हैं। और आप देख पा रहे होंगे ये कुर्ती कितनी आसानी से और जल्दी बन जाने वाली है। बहुत ही फास्ट होती है ये स्टिच। पूरे में हम इसी तरह से काटेंगे जहां जहां लीफ है। पीछे से देखिए, आपको जो स्टिचेस के जो धागे हैं उसकी शेडो दिख रही होगी। जब हम हल्के कलर पे गहरे कलर से बनाते हैं तो ये शेडो स्टिच हम इस तरफ से सीधे रख के भी बना सकते हैं। पूरी लीव्स ऐसे ही बनेगी। स्टिच है वो है हमारी घास पत्ती स्टिच। घास पत्ती स्टिच को हम एक फिश बोन स्टिच का भी वेरिएशन कह सकते हैं। बनती दिखती एकदम फिश बोन स्टिच जैसी है, लेकिन बनाने में थोड़ा अंतर होता है। हमने टॉप से सुई को निकाला और यहाँ बीचों बीच में छोटा सा स्टिच लेते हुए पत्ती के, इस तरह से फिर एक छोटा सा स्टिच दोनों जो इस लाइन है उसके दोनों तरफ से, फिर बीच वाले पे ऐसे एकदम इसमें पास पास बनाते हैं। बहुत दूर दूर बनाते पर धागे के बीच में जगह दिखेगी। ये घास पत्ती स्टिच कहलाती है। अभी हम दिखाएंगे कि पीछे से भी ये कैसे दिखती है।
पूरी जितनी भी इस तरह की बेल की पत्तियां हैं वो इसी तरह से बनी है। जैसा भी स्ट्रक्चर है उस तरह से पत्ती के बीच वाले जो हिस्सा है उसे हम मोड़ते जा रहे हैं थोड़ा सा। ये देखिए, अब यहाँ से छोटा सा स्टिच लिया, फिर पत्ती के दोनों तरफ हम स्टिच लेंगे, इधर से इंसर्ट करके उधर से निकाल लेंगे। जब आप एक बार ये बना ले एम्ब्रॉयडरी, इसके बाद इसे धो के जब प्रेस करेंगी तो सिल्क थ्रेड अपने आपस में जुड़ जाएंगे और बहुत ही सुंदर स्टिच देखने में लगती है। इस तरह से हमारी एक घास पत्ती से पूरी पत्ती बन गई है। सुई को अब हम यहाँ से इंसर्ट करके नीचे निकाल देंगे और अगली पत्ती पर चले जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से ये पत्ती रेडी है, हमने निकाला अगली पत्ती के लिए और वैसे ही बनाई। थोड़ी इधर से लिया, थोड़ा बीच में से लिया कपड़ा, फिर थोड़ा इधर से लिया दोनों तरफ से। इस तरह से हमारी ये सारी पत्तियाँ बनी हैं। जब आप सभी पत्तियाँ, सभी डंडी और ये जो बड़ी वाली पत्ती है शेडो वर्क से वो बना लेंगे तो आपका ये मोटिव पूरा हो जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा और प्लीज़ 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 हमको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आप हमारे लेटेस्ट अपडेट्स को जान पाए। इसी तरह सारी पत्तियों पे हम जाते जाएंगे। ये देखिए, पीछे से ये ऐसा दिखता है, सब पत्ती आप देख सकते हैं।